Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर श्रृंखला में जैसा कि आप परिचित हैं, यदि आप पहले के लेक्चर देखें तो और स्पष्ट होगा कि यहाँ हम लोग इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं और यह इतिहास लेखन औपनिवेशिक भारत या जिसे आधुनिक भारत कहते हैं उस पर केंद्रित है। आज का लेक्चर इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है और पिछले कुछ लेक्चर्स में हम जिस तरह से जाति प्रथा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, करते आए हैं और सामाजिक इतिहास में खास तौर पर दलित इतिहास के विभिन्न पहलुओं की चर्चा हम करते आए हैं, उसकी भी यह एक अंतिम कड़ी है आज का लेक्चर। और इस कारण भी हमने आज का विषय चुना है दलित इतिहास और दलित अध्ययन के अन्य जो पहलू रहे पिछले दो ढाई दशकों में, उनके बीच किस तरह के संवाद की संभावनाएं हो सकती हैं, एक दूसरे से दोनों क्या नया विचार, नई दृष्टि का आदान प्रदान कर सकते हैं और इससे अतीत के संबंध में हमारी समझ किस प्रकार बढ़ेगी। तो इस बड़े उद्देश्य के साथ हम लोग चंद महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ अपना रुख करेंगे। जैसा कि आप में से बहुतों को यह पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि पिछले दो ढाई दशकों में दलित अध्ययन एक मुकम्मल ज्ञान वाङ्मय की शाखा के रूप में हमारे सामने आया है और इसके पीछे एक्टिविज्म और इंटेलेक्चुअल्स दोनों का की भागीदारी रही। जिस तरह से पब्लिक स्फेयर में, राजनीति में दलित पहचान की राजनीति का स्वर मुखर रूप से उभर कर सामने आया, उसी तरह आप कह सकते हैं कि 90 के दशक से दलित चिंतकों, हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, पॉलिटिकल थियरिस्ट्स, इनके कार्यों से, इनके लेखनी से हमें कई अंतर्दृष्टियां मिली हैं और ये दूसरे तरह से कहें तो भारतीय समाज विज्ञान में सबसे नवीनतम प्रयोग आप इसे मान सकते हैं। कई अर्थों में, जैसा कि हमने
पिछले लेक्चर में देखा जब हम दलित इतिहास और जेंडर की बात कर रहे थे, तो यही वह समय भी है जबकि फेमिनिस्ट स्कॉलर्स, जेंडर एक्टिविस्ट भी राजनीति की समझ, सामाजिक पहचान की समझ, फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इसके बारे में हमारी समझ, इन सब में लगातार हमारा इजाफा करते रहे। तो भारत के संदर्भ में कहें तो फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप, जेंडर स्कॉलरशिप और दलित स्टडीज़ दोनों साइमल्टेनियसली अपना आकार ले रहे हैं। यहाँ साथ में यह भी जिक्र कर देना ज़रूरी होगा कि इन दोनों ही विषयों के विद्वान, विदुषियों, एक्टिविस्ट्स को दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो सामाजिक आंदोलन होते रहे हैं उनसे भी बहुत सारी अंतर्दृष्टियां मिली, खासकर जो अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी फेमिनिज्म, जिसे शॉर्ट में ब्लैक फेमिनिज्म के नाम से भी रेफर किया जाता है, हालांकि ब्लैक फेमिनिज्म शब्द अवमानना सूचक है, लेकिन जो रेशियल स्टडीज के स्कॉलर्स हैं और वहाँ जो जेंडर का इंटरवेंशन है, जेंडर स्टडीज़ का, उससे भी बहुत अंतर्दृष्टियाँ मिली हैं। तो ये बहुत सारे सिमल्टेनियस बौद्धिक हस्तक्षेप, सामाजिक हस्तक्षेप होते आ रहे हैं जिन्होंने हमारी समझ में इजाफा किया। और दलित अध्ययन की जब हम बात करें तो हम उस वैश्विक परिस्थिति से काट कर दलित अध्ययन को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं कि दलित अनुभव जो दलित अध्ययन के विद्वानों के चिंता का मूल केंद्र है उसकी अपनी विशिष्टताएं नहीं हैं। दरअसल ये विचारक, ये चिंतक बहुत सशक्त तरीके से, बहुत पावरफुल तरीके से, बहुत कन्विंसिंग तरीके से हमारे सामने इस तर्क को रखते हैं कि दलित अनुभव, दलित उत्पीड़न का सवाल किसी वैश्विक कैटेगरी के जरिए, किसी यूनिवर्सल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के जरिए इसकी विशिष्टताओं को नहीं समझा जा सकता। यह कई मामलों में इतना अनोखा है, इतना विशिष्ट है कि यदि आप वैश्विक ज्ञान के कटघरे से खड़ा होकर आप देखने जाएं तो इसके बहुत सारी बारीकियों को, संश्लिष्टताओं को आप नहीं पकड़ पाएंगे। और यहीं पर दलित अध्ययन के विद्वान हमें बताते हैं कि दलित अनुभव और यह उत्पीड़न, यह कोई महज अन्य तरह की असमानता नहीं है, यह एक ऐसी असमानता है जो आनुवंशिकता के साथ, जिसका सीधा संबंध है, और इस आनुवंशिकता के कारण जो दलित है वही इस उत्पीड़न के अनुभव को संपूर्णता के साथ
और उसकी विभीषिका को संपूर्णता से समझ सकता है। तो ये जो एक एम्बेडेडनेस है इनइक्वालिटी की, एक्सप्लॉयटेशन की, जिसे एक दलित देह धारण करता है, जहां दलित के पास कोई यह ऑप्शन नहीं है कि वह इसे ऐच्छिक रूप से धारण करे या न करे, यह जैसा कि गोपाल गुरु और सुंदर सरुक्काय बताते हैं कि यह भोगे हुए अनुभव, जिसे वे लिव्ड एक्सपीरियंस कहते हैं, लिव्ड एक्सपीरियंस की एक विशिष्ट कैटेगरी है जो इस सदियों के उत्पीड़न को समझने में हमारे लिए सहायक हो सकती है। अब देखिए, ये लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है जिसकी बात गोपाल गुरु और सुंदर सरुकाय कहते हैं? दोनों ने के बीच या संवाद के रूप में हमारे सामने आता है जब पहली बार गोपाल गुरु ने आलेख लिखा और फिर सुंदर सरुकाय, जो दर्शन शास्त्र से फिलॉसफर हैं, दर्शन शास्त्र से संबंध रखते हैं, और गोपाल गुरु जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट चिंतक हैं, तो सुंदर सरुकाय ने गोपाल गुरु के आलेख के रिज्वाइंडर दिए और फिर यह सिलसिला चलता गया। बाद में एक मुकम्मल किताब के तौर पर, इस किताब का शीर्षक है क्रैक्ड मिरर, यह संवाद हमारे सामने बहुत फोर्सफुल, बहुत अंतर्दृष्टियों से भरा हुआ यह संवाद हमारे सामने आता है। यहाँ इसके मूल में वह अनुभव है जो समाज का एक हिस्सा, एक तबका, जिसे जीने को मजबूर है, इस अनुभव को कैसे व्याख्यायित करें? गोपाल गुरु बताते हैं कि लिव्ड एक्सपीरियंस कई तरह के हो सकते हैं। जैसे आप समझिए कि कुछ क्षणों के लिए एक गुब्बारे में या एक पैराशूट में आप हवा में सफ़र करते हैं। आप किसी गुब्बारे में, जैसा कि कुछ ने प्रयोग के तौर पर किया, एक दिन दो दिन आप उस गुब्बारे के भीतर आप निवास करते हैं एक खास तरह का अनुभव लेने के लिए। वह भी एक तरह से कहें तो आपकी अनुभव की ही थाती हुई, वह भी भोगा हुआ अनुभव हुआ, लिव्ड एक्सपीरियंस हुआ। कोई भी अनुभव जिसे आप जीते हैं, शाब्दिक सतही तौर पर वह लिव्ड एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जब आप किसी गुब्बारे में किसी प्रयोग करते हुए किसी खास तरह के परिस्थिति को अपनाते हैं और उस परिस्थिति में एक दिन दो घंटा, चार घंटा, दस दिन आप व्यतीत करते हैं, तो ऐसे उदाहरणों में प्रयोगकर्ता को हमेशा उसके पीछे, उसके साथ एक चॉइस होता है। वह कभी भी उस प्रयोग को, उस अनुभव से बाहर आ सकता है, उस प्रयोग को छोड़कर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने रूटीन लाइफ में वह वापस आ सकता है। यह जो चॉइस का
मुद्दा है। यह गोपाल गुरु बताते हैं कि यह दलित तबके के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। एक बार दलित जन्म लेने से मात्र ही मनुष्य उस पहचान के साथ बंध जाता है, और यह पहचान महज वर्तमान के समय में ही आकार नहीं लेता। इससे जुड़ी हुई अतीत की वो तमाम दावेदारियां हैं, वह निशानदेही है, यह सब मिलकर इस अनुभव को विशिष्टता देते हैं। जिस तरह से किसी महिला के अनुभव को कोई पुरुष संपूर्णता के साथ नहीं समझ सकता, उसी तरह से सवर्ण अवर्ण के इस लिव्ड एक्सपीरियंस को संपूर्णता के साथ नहीं समझ सकते। दरअसल यहां इतिहासकार के लिए या समाज विज्ञानी के लिए एक जटिल सवाल यह भी है कि यह जो विशिष्टता है, इसकी जो भयावहता है, उस विशिष्टता को किस प्रकार नॉलेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, उस रिप्रेजेंटेशन का, इस अनुभव के रिप्रेजेंटेशन का कि क्या भाषा हो, क्या समाज विज्ञान के तयशुदे सिद्धांत, उनके अप्रोच जो पश्चिमी यूरोप में जन्म लिया और जिसका वहाँ से संपूर्ण विश्व में आरोपण हुआ, क्या उन यूनिवर्सल एपिस्टेमोलॉजी के जरिए आप इस विशिष्टता को समझ सकते हैं। वह भाषा क्या हो, और यह जो अनुभव है जो दलित अध्ययन हमारे सामने रखता है, यह इस अनुभव को हम इतिहास में कैसे बरामद करें। क्या सीमाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं? अब जैसे जब हम इस अनुभव की विशिष्टता की बात करते हैं तो एक उदाहरण ह्यूमिलिएशन का दिया जा सकता है, अवमानना का, तिरस्कार का। अस्पृश्य व्यक्ति या स्त्री अपने दैनिक जीवन में हजारों तरह के अवमानना तिरस्कार का सामना करते हैं, करती हैं। इसका कोई, इस तिरस्कार का, इस अवमानना का कोई तयशुदा खांचा नहीं होता है, तयशुदा स्वरूप नहीं होता है। कई बार जेस्चर्स, इशारों और तिरस्कार के भाव से ही दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। तो जिस अनुभव का कोई
स्वरूप नहीं, तयशुदा स्वरूप नहीं है, उसे किसी यूनिवर्सल लैंग्वेज में आप परिभाषित भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स भी उठाते रहे हैं कि इस तिरस्कार की घटना को, इस अनुभव को कैसे ऑथेंटिक माना जाए, क्या कोई विज्ञान का ऐसा पैमाना हो सकता है जो इसे ऑब्जेक्टिवली ऑथेंटिक या अनऑथेंटिक बनाए। फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप और 1960 के दशक में जब नारीवादी आंदोलन अमेरिका में स्वरूप ले रहा था, उसने सीधे सीधे इस सवाल का सामना करते हुए एक नारा दिया कि जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। अर्थात जिस पर बीतती है, जो तिरस्कार के सामने होता है, जिसका तिरस्कार किया जाता है, जिसका अवमानना किया जाता है, वह और वही समझ सकता है उस तिरस्कार की प्रामाणिकता, उस अनुभव की प्रामाणिकता को। ऐसे में हम ऐतिहासिक साक्ष्य को कैसे देखें, क्योंकि परंपरागत रूप से ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ प्रामाणिकता का मसला जुड़ा होता है, उसे किसी और साक्ष्य के साथ वेरीफाई करना होता है, उसके साथ सत्य और असत्य की बात होती है। यहाँ इस कारण से भी जरूरी है कि हमें इस सत्य असत्य, प्रमाणिक अप्रमाणिक तथ्य इन के बारे में जो हमारी तयशुदा समझ है उस पर सवालिया निशान उठाने होंगे। यदि जैसा कि गोपाल गुरु बताते हैं कि समाज विज्ञान कभी भी भारत में इगैलिटेरियन नहीं रहा, तो या फिर उससे पहले हमने पहले के लेक्चर में देखा कि जब ई वी रामास्वामी नायकर पेरियार बताते हैं कि आप सवर्णों के लिखे हुए इतिहास से, वर्णाश्रम धर्म द्वारा रचित इतिहास से कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ अवर्ण अस्पृश्यों को तरजीह मिलेगी। तो जो इतिहास और जिसकी तर्क पद्धति किसी और समाज, किसी और ऐतिहासिक पीरियड में इमर्ज किया, जहां उसका इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के साथ सीधा सीधा नाता रहा, उससे यह उम्मीद करना कि वहां इस अनुभव के लिए उसकी मेथडोलॉजी में जगह हो, तो यह संभव नहीं है। इस कारण से हमें नए मेथड गढ़ने होंगे, नए तरह के साक्ष्य
हमें ढूंढने होंगे। और नए ऐतिहासिक आर्काइव इतिहास में इस दैनिक, इस लिव्ड अनुभव, दैनिक अनुभव जो दलित समुदाय का है, उसके साथ संवाद, उसको व्याख्यायित करने के लिए नए किस्म के आर्काइव की जरूरत होगी। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह से चारू गुप्ता ऐसे ही नए तरह के आर्काइव और नए तरह के ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ हमारे सामने आती हैं। यहाँ मैं एक भिन्न किस्म के आर्काइव की बात करना चाहता हूँ, जो जिसकी अहमियत दलित अध्ययन ने हमारे सामने रखा है, और वह है आत्मकथात्मक जो लेखन है। दलित समुदाय के सदस्यों का की जो अपनी बयान के अपने बयान हैं, अपने द्वारा खुद से लिखा हुआ उनकी जिंदगी है, इसे हमें ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल करना होगा। यहाँ जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन की, या फिर हमने कवि हीरा की कविता का जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, जो 1914 में प्रकाशित हुई, एक अछूत की शिकायत, या कहानीकार मोहिनी, उनकी कहानी छोट के चोर, जो 1915 में प्रकाशित हुई कन्या मनोरंजन में। इन साक्ष्यों के सहारे हमें इतिहास रचना होगा, जिससे दलित समुदाय के खुद के अनुभव किए हुए दुख, दर्द, उत्पीड़न, तिरस्कार, उनकी सब्जेक्टिविटीज़ के साथ हमारा संवाद हो सके। यहाँ पर एक और बहुत अहम हस्तक्षेप का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, आत्मकथात्मक साहित्य, उर्मिला पवार की किताब वीव्स ऑफ लाइफ। यहाँ वे एक दलित महिला अपनी के नज़रिए से, अपनी नज़रिए से अपनी कहानी, अपनी जिंदगी हमारे सामने रखती हैं। और जब हम इन आत्मकथात्मक साहित्य को पढ़ते हैं, तो यहाँ दो बातों की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। एक तो लेखक या लेखिका के आत्म के साथ, उसकी सब्जेक्टिविटीज़ के साथ, उसके नज़रिए, उसके दृष्टिकोण, उसके अनुभव से हम वाकिफ होते हैं, लेकिन दूसरा यह भी महत्वपूर्ण है कि यह जो अनुभव है, यह किसी असंपृक्त देह का अनुभव नहीं है। यह हमें अपने समय की, अपने समाज की कहानी, अपने समाज की दास्तान भी बताता है। और यही दो पहलू, निज और सामाजिक, व्यक्तिगत और समय की दास्तान, इस दोनों पक्ष पर
इतिहास की नज़र होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के आपसी संबंध से ही हमें इस इतिहास को संभव बनाना होगा। लेकिन साथ ही मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि इस आत्मकथात्मक साहित्य के साथ साथ ऐसे साहित्य हैं जो भले ही दलित समुदाय के सदस्यों द्वारा स्वयं न लिखा गया हो और इसकी संभावना भारतीय संदर्भ में बहुत अधिक है, जहां साक्षरता का दर बहुत कम रहा, आज भी खासकर जिस समाज की हम बात कर रहे हैं वहाँ आज भी साक्षरता का दर बहुत कम है। तो जब हम औपनिवेशिक काल में जाएंगे तो वहाँ उदाहरण और भी छीन से छीनतर होते जाएंगे। ऐसे में हमें उस साहित्य की तरफ भी रुख करना होगा जो लिखा भले ही सवर्णों द्वारा गया हो, लेकिन जहां चिंता चर्चा के केंद्र में दलित अनुभव हो। ऐसा ही एक उदाहरण एक मशहूर उपन्यास अब तो नाच्यो बहुत गोपाल, जहां कथा एक दलित महिला के नज़रिए से कही गई है, उसकी जिंदगी हमारे सामने खुलती है। तो इस तरह से हमें दलित अध्ययन से, अंतर्दृष्टि या आप कह सकते हैं कि दलित साहित्य से, हाल के लिखे साहित्य से अंतर्दृष्टियां लेते हुए इतिहास को लिखना होगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसकी तरफ अब भी बहुत कम काम हुआ है, लेकिन जिस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए वह है दलित समाज का शहरी जीवन, शहर के उसके अनुभव। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं कि अंबेडकर ने 1920 के दशक में ही नारा दिया था कि शहर की तरफ चलो, गांव सामंतवादी जातिवादी संरचना से ग्रसित दलित संभावनाओं के लिए एक पिंजरे की तरह अंबेडकर और दलित विचारकों के चिंताओं में हमारे सामने आता है। शहर इस दृष्टि से समाज के लिए एक मुक्ति का, प्रगति का, विकास का संभावना बना। लेकिन जब हम इन आत्मकथात्मक या दलित जीवनियां पढ़ेंगे, आत्मकथात्मक साहित्य पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि गांव और शहर के बीच का यह जो
ब्लैक एंड वाइट डिवीज़न है, जहां शहर बहुत रोमानी जगह के रूप में हमारे सामने आता है। वास्तविकता में यह ऐसा कभी नहीं रहा। और यह साहित्य ये साक्ष्य में बताते हैं कि जो दलित गांव से निकलकर महानगर की तरफ आए, यहाँ भी उनका जीवन एक श्रमिक जीवन की तरह समाज के सबसे नीचे पायदान पर ही रहा, जहाँ शहरी जीवन की अनेक कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन इसी के साथ साथ हमें, जब हम दलित जीवन, दलित अनुभव और शहरी अनुभव की बात कर रहे हैं, तो यह भी देखने को मिलता है कि किस तरह से शहर ने नए किस्म के एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं, आत्मसम्मान की भावना को जन्म दिया, स्वरूपित किया। देखिए, जब हम एस्पिरेशन की बात करते हैं, आकांक्षाओं की बात करते हैं, इच्छाओं की बात करते हैं, तो समाज विज्ञान में एक तो इस संबंध में इकोनॉमिक्स का डिस्कोर्स है, जहां भौतिक संस्कृति की बात है, कमोडिटी की बात है, कंजम्पशन की बात है, और इस कंजम्पशन कल्चर के जरिए हम आकांक्षाओं के विमर्श की बात करते हैं, किसी समाज के आकांक्षा की बात करते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक भिन्न किस्म के आकांक्षा की बात कर रहा हूँ, ये सोशल एस्पिरेशंस की बात कर रहा हूँ। एस्पिरेशंस हमेशा इकोनॉमिक हों जरूरी नहीं है, यह सोशल और कल्चरल भी होते हैं। यह अपनी पहचान को लेकर है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने को लेकर है, सामाजिक स्टेटस को बेहतर बनाने की बात है, सोशल रिकॉग्निशन हासिल करने की बात है। और वहां फिर उस स्तर पर देखते हैं तो बदलते समय के साथ महानगर किस प्रकार से अलग अलग पीढ़ी के दलित माइग्रेंट समुदाय को नए किस्म के एस्पिरेशंस से नवाजता आया है यह शहरी जीवन। इस बाबत अभी और भी काम होने हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, दलित इतिहास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ यह शहरी अनुभव एक नए किस्म के आर्काइव की डिमांड करेगा, नए साक्ष्य की मांग करेगा, जहां हमें ओरल हिस्ट्री के मेथड्स और टेक्निक्स से सीखना होगा, जहां हमें विजुअल हिस्ट्रीज और विजुअल स्टडीज, कल्चरल स्टडीज जैसे पड़ोसी जो विषय हैं, उनसे अंतर्दृष्टियां लेनी होंगी। तो ये चुनौती और यह कठिनाई जिसकी तरफ मैं आज यहाँ संकेत कर रहा हूँ, जो जहाँ दलित इतिहास की नवीन संभावनाएं हैं, और यहाँ हमें एक और अहम बात जिसकी चर्चा हम अन्य
विषयों के संदर्भ में भी इस लेक्चर सीरीज में करते आए हैं, और वह है कि जो हमारे जेहन में एक परंपरागत एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सीमा रेखा है इतिहास को वर्तमान से अलग करने की, उस पर भी सवालिया निशान उठाने होंगे। जिस तरह से आधुनिक भारत का इतिहास 1947 में आकर खत्म हो जाता है, उस सीमा रेखा पर सवाल उठाना होगा। क्या 1947 से पहले का समाज और 1947 के बाद का समाज में जमीन आसमान का अंतर था, या हम कई किस्म की निरंतरता सामाजिक और सांस्कृतिक बौद्धिक धरातलों पर पाते हैं प्री और पोस्ट 1947? तो इस तरह के सवाल उठाने होंगे, और ऐसी बात नहीं है कि यह सवाल हम और अकेले हम उठा रहे हैं। इतिहास में पीरियडाइजेशन को लेकर बहुत जद्दोजहद चल रहा है, और एक हाल के दशकों में समकालीन इतिहास का भी कैटेगरी उभर कर आया है। तो इस समकालीन इतिहास की जो पद्धतियां हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हुए हम औपनिवेशिक काल के इतिहास की तरफ भी रुख कर सकते हैं। विजुअल हिस्ट्री का मैंने चर्चा किया, जिक्र किया, और पिछले दो दशक में खास तौर से विजुअल हिस्ट्री के प्रति इतिहासकारों का आकर्षण बढ़ा है, जो चित्रों का आर्काइव, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, लिथोग्राफ्स, कार्टून्स आदि साक्ष्यों ने जो लिखित साक्ष्य के ऊपर इतिहास लेखन की जो निर्भरता थी उसको चुनौती दी है, और इतिहासकारों ने बताया है कि किस तरह से यह दृश्य जगत, दृश्य साहित्य या दृश्य साक्ष्य चित्र में साक्ष्य पिक्टोरियल सोर्सेज, इन्होंने अपने समय में नए तरह के छवियां गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जाहिर सी बात है कि इनको उसी तरह से विश्लेषित नहीं किया जा सकता जिस तरह से सरकारी फाइल के आंकड़ों को या सेंसस के आंकड़ों को विश्लेषित किया जाता है। तो ये जो पिक्टोरियल सोर्सेज, पिक्टोरियल आर्काइव्स हैं, ये नए तरह के सवाल के साथ हमारे सामने आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनसे हमारी समझ सामाजिक इतिहास के बारे में बहुत बढ़ेगी ही। कार्टून्स का जिक्र मैंने किया, चारू गुप्ता हिंदी प्रिंट साहित्य के कार्टून्स
को साक्ष्य के तरह इस्तेमाल करती हैं और उनसे किस तरह के दलित देह की छवियां बनी उसकी बात करती हैं। और यहाँ एक वर्नाकुलर सोर्सेस का भी आर्काइव हमारे सामने खुलता है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब मैं इन नए तरह के आर्काइव्स की संभावनाओं की बात कर रहा हूँ तो मैं बार बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो कॉलोनियल आर्काइव्स हैं उनकी अहमियत कभी कम नहीं होती। और दिलचस्प होगा कि यदि आप इतिहासकार राम रावत की किताब देखें जो उत्तर प्रदेश के दलित इतिहास पर केंद्रित है तो वे बताते हैं कि किस तरह से एक गहन छानबीन करने से इस सरकारी आर्काइव इस औपनिवेशिक आर्काइव के गहन अध्ययन से हमें पता चलता है कि कई जो जातियां जिन्हें खास पेशे से जोड़कर देखा जा रहा था दरअसल वे कृषक जातियां थीं, कृषि उनका मुख्य पेशा था। लेकिन डोमिनेंट पॉपुलर डिस्कोर्स में उन्हें उनके पेशे को चमड़े के साथ जोड़कर देखा गया। तो इस तरह से जो पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग और इमेजरीज को डीमिथिफाई करने के लिए भी डीकंस्ट्रक्ट डीकोड करने के लिए भी औपनिवेशिक आर्काइव की अहमियत कम नहीं हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा पिछले लेक्चर में भी कहा कि इन सभी तरह के आर्काइव को विश्लेषित करते हुए हमें नए नए किस्म के सूझबूझ नई टेक्निक का सहारा लेना होगा। वाल्टर बेंजामिन के हवाले से मैंने रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन जो टेक्निक इतिहासकार उपयोग करते हैं उसकी बात की, जहां मौन जो लिखा नहीं गया है साइलेंसेस इरेजर्स जिसे छोड़ दिया गया है दर्ज नहीं किया गया है उसकी बरामदगी का मुद्दा है। और इस टेक्निक के जरिए हम महज लिखित साक्ष्य को ही अधिक अर्थपूर्ण नहीं बना सकते वर्न ओरल हिस्ट्री और विजुअल हिस्ट्री में भी इस तरह के आलोचनात्मक और सूझबूझ की पद्धति बहुत मायने रखती है। अब साथ साथ एक और पक्ष की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और वह है स्पेशियल पर्सपेक्टिव। स्पेस किस तरह से सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जगहों की अहमियत, समाज किसी अंतरिक्ष में सांस नहीं लेता है, किसी एम्प्टी जगह पर सांस नहीं लेता है, वह
खास उसकी जगह होती है, उसका एक भौगोलिक भौतिकता होती है। इस जगह के क्या मायने होते हो सकते हैं जब हम सामाजिक इतिहास की बात करें, जब हम दलित इतिहास की बात करें। समाज विज्ञान में भी आप देखें तो स्पेशियल टर्न बहुत बाद में आया। जगहों के बारे में हमारी उत्सुकता, वो किस तरह से सामाजिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, स्वरूपित करती है, इसके बारे में हमारा ज्ञान बहुत देर से शुरू हुआ। लेकिन पिछले एक दशकों में, खासकर एक दशक में, इतिहासकार और दलित अध्ययन के व्यापक विमर्श में शरीक होने वाले स्कॉलर्स भी इस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि किस तरह से दलितों के मोहल्ले, उनकी बस्तियां खास तरह के सोशल स्टीरियोटाइप्स के जरिए आइडेंटिटी के एसर्शन, डोमिनेशन का कारण बनती हैं। उन बस्तियों के ऐसे छवियों के जरिए वहाँ के बसिंदों की पहचान तय कर दी जाती है। और इसके साथ साथ टाउन प्लानिंग का इतिहास जुड़ा है, इसके साथ साथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतिहास जुड़ा है, अर्बन गवर्नेंस का इतिहास जुड़ा है, जिस बाबत अब भी बहुत काम होना शेष है। तो ये जो स्पेसेस के अपने सेंसिटिविटी की अपनी संवेदनाएं होती हैं, उसको हम इतिहास में कैसे दर्ज करें, यह एक चुनौती का बात है। और जब हम इस सेंसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो यहां हालिया समय में सोशल साइंस जिस तरह से एफेक्टिव टर्न वैश्विक स्तर पर विटनेस कर रहा है, उससे भी हमें कई सीख लेने होंगे। एफेक्टिव टर्न खासकर दलित अनुभवों के उन भागों को व्याख्यायित करने के लिए बहुत मानीखेज हो सकते हैं जिन्हें अक्सर इररिलेवेंट, अनुपयोगी, फिजूल का मानकर समाज विज्ञानी या इतिहासकार छोड़ देते हैं। जब हम सब्जेक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो एफेक्टिव टर्न के स्कॉलर्स ने हमारा ध्यान इस बात की तरफ खींचा है कि आदमी की गतिविधियां, ह्यूमन एक्शन, हमेशा रैशनल थिंकिंग से ही गाइडेड नहीं होती। हमेशा व्यक्ति रैशनल चॉइस ही नहीं करता है। तो उसके अनुभव
जो इंद्रिय इंद्रिय जनित अनुभव हैं, उन तक पहुंचने के लिए एफेक्टिव टर्न के हालिया विमर्श से कई अंतर्दृष्टियां ली जा सकती हैं। नए तरह के सवाल और नए विषय दलित अनुभव के नए पक्षों की तरफ हम अपने विश्लेषण को केंद्रित कर सकते हैं, उनका रुख उस तरफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मेरा कोशिश दलित इतिहास की संभावनाओं की तरफ इशारा करना था, क्योंकि जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो वहाँ इस तरह की संभावनाओं की बात नहीं है, वहाँ जो अब तक लिखा गया है उसी की बात है। लेकिन यदि हमें परंपरागत चौकठे से बाहर निकलकर कुछ नया और अनछुए पहलुओं की तरफ, उन अनछुए पहलुओं को इतिहास में शामिल करना होगा, तो हमें इन संभावनाओं को वास्तविकता में भी बदलना होगा, उन कठिनाइयों का सामना करना होगा और दलित सब्जेक्टिविटीज को हिस्ट्री में अलग अलग तरीके से व्याख्यायित विश्लेषित करना होगा। मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि 30 लेक्चर की इस श्रृंखला में कुछ न कुछ आपके फायदे की बात आपको इतिहास की कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नए प्रश्न, कुछ नए दृष्टिकोण मिले होंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।